साजिशतन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है। महिलाओं के बारे में क्या क्या न कहा, आज हिंदुस्तान नहीं संसार वाकिफ हो चुका है। हमारे साथ तुम ताम की बात की, भाषा की, हम कहा था कि संस्कार उनका लगता है कि गिर गया है जो ऐसा बोलते हैं। तपाक में आ करके हमारे ऐसा जो 80 वर्ष का प्रतिनिधि है और वो 74 वर्ष के हैं, तुम ताम की बात की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार इन दिनों कभी किसी पर तो कभी किसी पर तंज कस रहे हैं। 7 नवंबर को उन्होंने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दे दिया था। फिर 9 नवंबर को उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर विवादित बयान दे दिया। इस बयान के बाद से बिहार में सियासी घमासान जारी है। जीतन राम मांझी ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार के द्वारा कहे गए शब्दों का जवाब दिया है। विधानसभा में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तपाक में आ करके हमारे ऐसा जो 80 वर्ष का प्रतिनिधि है और वो 74 वर्ष के हैं, तुम ताम की बात की, वो 67-68 में किसी तरह डिग्री प्राप्त किया है, जीतन मांझी 66 में डिग्री प्राप्त किया है, वो 74 वर्ष के हैं, हम 80 वर्ष के हैं, 1980 में हम विधायक रहे और वो 1985 में आए, उनको तुम ताम करना नहीं चाहिए था, इस बात की चर्चा किया। आज विशेष चर्चा ये करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग कह ही चुके हैं कि उनके भोजन में पिछले कई एक दिनों से विषैला पदार्थ मिला करके साजिशतन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि महावीर चौधरी के पोर्ट्रेट पर उन्होंने मालार्पण नहीं किया, अशोक चौधरी के माथे पर दे दिया जो जीवित हैं। उसी प्रकार से महिलाओं के बारे में क्या क्या न कहा, आज हिंदुस्तान नहीं संसार वाकिफ हो चुका है। और फिर कल जो हमारे साथ तुम ताम की बात की, भाषा की, हम कहा था कि संस्कार उनका लगता है कि गिर गया है जो ऐसा बोलते हैं। आज एक नई बात कहना चाहते हैं आपसे, आज आपसे बात करना चाहते हैं कि विधानसभा का कस्टोडियन माननीय अध्यक्ष हुआ करते हैं, माननीय अध्यक्ष ने नियमन दिया था कि जिसको हम पुकारें वही बोलेगा, और उसके बाद जब आरक्षण की बात खत्म हो गई थी, दूसरा बिल आया नामांकन का, तो नामांकन में हमको उन्होंने पुकारा, हम उठ करके अपनी बात कहना शुरू किया, इसी समय नीतीश कुमार आगे आ गए, टपक गए। माननीय अध्यक्ष जी को चाहिए था नीतीश कुमार जी को रोकना, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के साथ साथ सदन के नेता हैं, जब नियमन जो अध्यक्ष का होता है वो नहीं पालन करेंगे तो अन्य सदस्यों से क्या अपेक्षा वो रखते हैं।